नमस्कार स्टूडेंट्स हिंदी में हमने लास्ट uh, वीडियो में चैप्टर टू के एम सी क्यूज वन लाइन आंसर और दो तीन वाक्य में उत्तर हमने किए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आज हम बड़े आंसर यानी कि चार पांच वाक्य में उत्तर करेंगे तो इसमें सबसे पहले है मरुभूमि या रेगिस्थान ये शॉर्टनट है, है जो आपको पूछा जा सकता है जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहा जाता है ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश में यानी कि ऐसा प्र, जिस प्रदेश में दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है ना, उसे मरुभूमि या तो रेगिस्तान कहते हैं मरुभूमि में वर्षों वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है हु? वर्षा यानी कि बारिश ये जो मरुभूमि है उस रेगिस्तान है उसमें बारिश या तो कम होती है या तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि में पानी निकलता है पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है और कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि में पानी भी निकलता है ऊँट को रेगिस्तान का वाहन कहते हैं कैमल वो तो आपको पता है ना कैमल को ऊँट को रेगिस्तान का वाहन कहते हैं इजी क्लियर फटाफट कर लूँ जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेती रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ मरुभूमि में पानी निकलता है और ऊँट को रेगिस्तान का वाहन कहते हैं सेकंड है, है कच्छ के तीन बड़े शहर के बारे में लिखिए ऐसे तो सबसे पहले गांधीधाम। गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है यह विकसित और समृद्ध शहर है तीन टॉपिक है गांधीधाम के कौन कौन से तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है फिर यह विकसित और समृद्ध शहर है दूसरा शहर है कंडला कंडला बंदरगाह है कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है हुँ? क्या है कंडला एक बंदरगाह है और कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है फिर है भुज भुज कच्छ का मुख्य शहर है यहाँ आयना महल प्राग महल स्वामीनारायण मंदिर हिल गार्डन हमीसर तालाब भुजिया पहाड़ ये स्थल देखने के लायक है और भूज वैभवशाली शहर है क्या है भुज का भूज कच्छ का मुख्य शहर है यहाँ आयना महल प्राग महल स्वामीनारायण मंदिर हिल गार्डन हमीसर तालाब पूजिया पहाड़ ये स्थल सब देखने के लायक है और जो भूज है वो वैभवशाली यानी कि भुज को पैसे वाला शहर माना जाता है हु? वैसे तो बहुत शहर है भुज कच्छ में लेकिन गांधीधाम कंडला और भुज ये जो तीनों शहर है वो उसके बड़े शहर माने जाते हैं किसके तो कच्छ के अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो कच्छ में खूब सारे धार्मिक स्थल है स्थल है यहाँ पे स्थल आएगा बाय बायमिस्टिक शहर हो गया है हाँ शहर भी चलेगा जैसे मांडवी में बेहतर जीनालय भद्रेश्वर में पच्चीस सौ वर्ष पुराना जीनालय गोधरा में अम्बे धाम नारायण सरोवर कोटेश्वर जो रामायण काल से प्रसिद्ध है माता मठ लखपत में गुरु नानक का गुरुद्वारा हाजीपीर की दरगाह रवेची पूज में आशापुरा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर ये सब विविध धार्मिक स्थल है एक बार फिर से हम रिवाइंड कर लेते हैं रिपीट कि कच्छ में खूब सारे धार्मिक स्थल शहर है कौन कौन से तो जैसे मांडवी में बहत्तर जिनाले बदेश्वर में पच्चीस सौ वर्ष पुराना जिलाल गोधरा में अम्बे नारायण सरोवर कोटेश्वर जो रामायण काल से प्रसिद्ध है माता मठ लखपत में गुरु नानक का गुरुद्वारा हाजीपीर की दरगाह रवेची पूज में आशापुरा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर ये सब विविध धार्मिक शहर है सॉरी धार्मिक स्थल है कहाँ तो कच्छ में ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं छोटे छोटे हैं लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन जो बड़े बड़े हैं उन स्थलों के बारे में हमें बताया गया है कच्छ में इसीलिए तो अमिताभ बच्चन ने कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा क्योंकि इसके अलावा और बहुत कुछ देखने के लायक है कच्छ में आप लोगों ने देखा है अभी और भी बहुत सारे धर्म के स्थान हैं जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं एकल धाम मोगल धाम ये सब है ना फोर्थ क्वेश्चन है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल अभी हमने धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्थल सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है हाँ सामख्याली के उत्तर पार्ट में धोलावीरा है वो ऐतिहासिक स्थान है यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहन दड़ो संस्कृति के अवसोष पाए जाते हैं हा? यहाँ सामक जो ये धोलावीरा है यहाँ पे भारत की अति प्राचीन जो मोहेंजो दड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन शहर है हम्म लखपत में गुरु नानक की स्मृति यानी कि यादों से जुड़ा हुआ एक बहुत प्राचीन यानी कि पुराना हम्म बहुत साल पहले का स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर था यहाँ के किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है लखपत में एक किला भी है लखपत को पहले बहुत ही समृद्ध नगर माना जाता था यहाँ का जो किला है वो पहले के इतिहास की याद दिलाता है एक बार रिपीट कर लेती हूँ सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है यहाँ भारत के अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं लगपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर था यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फोर फाइव लाइन के आंसर जो हैं वो कंप्लीट होते हैं ये सारी जो आपको वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो सारे आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी होती है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है अस्तु